बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के चलते कई छात्रों की मौत हुई है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क उठे। संसद सत्र शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच नीट पेपर लीक मामले पर तीखी बहस शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा मामले में पेपर लीक के साफ सबूत सामने नहीं आए। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक गंभीर मुद्दा है, ये सिर्फ नीट नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं पर सवाल है। इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. वहीं नीट परीक्षा मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां 2000 से ज्यादा छात्र पास हुए। जब तक ये मंत्री हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। Okay. कई प्रदेश के ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। Okay. और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। जब विपक्ष ने नीट पर सवाल उठाए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क उठे। उन्होंने कहा कि पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना सही नहीं है। राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। यह सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी, इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। अब दिग्गजों के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है।
वैसे बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए रविवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार की ओर से राज्यसभा में पार्टी के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत 44 दलों के 55 नेता शामिल हुए।